गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपका स्वागत है। और यूनिट नंबर हम फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट यूनिट को हमने लगभग लगभग सारी पढ़ ली है और उसके जो क्वेश्चंस बचे हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़े ऐसे क्वेश्चन लगे जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं या एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर। इससे पहले भी हमने कुछ एग्ज़ाम्पल पढ़े थे, ठीक है। हमने इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, ठीक है ना, जिनके हमने सॉल्यूशन देखे थे और ये हमने क्वेश्चन कर लिए थे सारे सारे लगभग। इससे आगे हम और क्वेश्चंस करना चाहेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक, सिद्ध कीजिए कि स्थिति सदिश स्थिति सदिश आर कैप आपको दे रखा है आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। ओके, तो यहां पर आपको ग्रेडियंट ऑफ एल एन आर की वैल्यू निकालनी है कि आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। पहली बात तो यह है कि जो ग्रेडियंट निकाला जाता है वो एक स्केलर क्वांटिटी का निकाला जाता है और यहाँ पर हमें आर एक वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो पहले हम इसका परिणाम निकाल लेते हैं जो कि एक स्केलर होगा। तो आर आपको दे रखा है आर इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, ये रहेगा। और जब हम इसका मोड आर निकालते हैं तो हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास आर की वैल्यू रहेगी। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट को निकालेंगे। तो ग्रेडियंट जो एल एन आर है या फिर आप डेल एल एन आर लिख रहे हो, इसको मैं लिखना चाहूँगा। तो पहले मैं ग्रेडियंट की वैल्यू लिख देता हूँ, ये रहेगी आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और बाहर हमारे पास एल एन आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एल एन आर को अलग अलग सोल्व करके फिर यहाँ पर हम वैल्यू रखना चाहेंगे। तो पहले आप एल एन आर को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें मिलेगा ग्रेडेंट और एल एन आर, ठीक है। और ये रहेगा हमारे पास आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, और एल एन आर प्लस जे कैप और डेल अपॉन में डेल वाई और एल एन आर प्लस के कैप डेल अपॉन में डेल जेड और एल एन आर, ये रहता है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब इसमें हम एक को सोल्व करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए और इक्वेशन फर्स्ट में पहला पार्ट लेंगे, टेकिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट से लिखेंगे तो हमें मिलेगा डेल अपॉन में डेल आर और एल एन आर। तो एल एन आर का हमारे पास जो वैल्यू है या फिर आर का जो वैल्यू है उसको अपन रख देते हैं बस। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन में ये एक्स है अपने पास, है ना, डेल अपॉन में डेल एक्स, तो रहेगा एल एन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अब आप सिंपल इसका आउटलाइन कर लीजिए, तो एल एन आर का आउटलाइन होगा 1/r, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर, ये हमारे पास जो है 1/2 थी वो 1 हो जाएगी, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी ये पावर। तो अपने पास सिंपल ऐसे के साथ ये पावर जो है वो सिंपल ऐसे से 1/2 एल एन।
अब हमारे पास इसके अंदर जो है ln की उसका और समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ln के जो हम सोल्व करेंगे तो 1/2 जो पावर है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2 यहाँ आ जाएगी, और इसको मैं इधर लिख देता हूँ। देखो इससे 1/2 डेल अपॉन में डेल एक्स, और ये रहेगा ln, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इस पावर के इस्तेमाल मत करो, ये हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, और इंटू ये हमारे पास आएगा 2x इसका, और इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली, उसी प्रकार हम डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इसी प्रकार डेल अपॉन डेल वाई और एल एन आर की जो वैल्यू मिलेगी वो सिंपल, यहाँ पर वाई मिल जाएगा और यहाँ पर ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा, और डेल अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू मिलेगी एल एन आर वो मिलेगी जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगी। और इसको आप अलग अलग इक्वेशन दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, इसको आप 3 दे देंगे, इसको आप 4 दे देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 को 3 को और 4 को इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो हमें मिलेगा डेल और एल एन आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या थी, आई कैप के साथ लिखेंगे, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप है तो ये रहेगा वाई और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तीनों में से ये और ये कॉमन ले लीजिएगा, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से कि डेल और एल एन आर इक्वल टू ऊपर बचेगा आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड अपॉन में नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको आर के फॉर्म में रखेंगे तो आपको मिलेगा डेल एल एन आर इज इक्वल टू, ऊपर तो हमारे पास आर वेक्टर की वैल्यू है और नीचे हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये हमारे पास सीध हो जाता है कि हमारे पास एल एन आर का ग्रेडियंट जो है वो आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन करेंगे अपन अच्छे से, देख हम ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू और निकालना चाहेंगे एक बार, हम एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि स्थिति सदिश r हो तो यदि किसी बिंदु पर स्थिति सदिश, ऐसे लिखेंगे, यदि किसी बिंदु पर स्थिति सदिश आर कैप है हो तो ग्रेडियंट 1/r का मान याद कीजिए, ग्रेडियंट 1/r का मान ज्ञात कीजिए। तो ग्रेडियंट 1/r का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं सबसे पहले इसका, आर आपको स्थिति सदिश दे रखी है, स्थिति सदिश दी गई है, ठीक है, और स्थिति सदिश को आप ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, ऐसा होगा। और यहाँ पर हम
एक आर और निकाल लेते हैं, तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें निकालना है ग्रेडेंट 1/r, तो जिसका भी आप ग्रेडेंट निकालते हो, ग्रेडेंट 1/r इस तरह, तो ये जो राशि होगी ये हमारे पास स्केलर यानी कि अदिश राशि होगी, स्केलर राशि होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो आपको वही आर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसका इस्तेमाल करेंगे इस वाले आर का, क्योंकि नीचे जो होता है वो हमेशा रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ग्रेडेंट 1/, ये रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लीजिए सिंपली, तो सिंपली हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रेडेंट 1/r इक्वल टू, ये रहेगा आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के कैप एंड डेल अपॉन में डेल जेड, ठीक है। और ये रहेगा 1/ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स और 1/ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, प्लस जे कैप डेल अपॉन में डेल वाई और ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस के कैप डेल अपॉन में डेल जेड और ये रहेगा 1/ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अब तीनों लगभग लगभग सेम है, तो आप इनको अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको अलग अलग सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको आप वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा और समीकरण एक का प्रथम भाग लेने पर तो हमें मिलेगा डेल अपॉन में डेल एक्स और 1/ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल अपॉन में डेल एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस के साथ। अब आप इसका सिंपल आउटलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको अलग अलग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास आया है, मैं पेन ले लेता हूँ, तो हमें मिलेगा ये मिलेगा डेल अपॉन में डेल एक्स और यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। तो सोल्व करेंगे तो माइनस 1/2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, क्योंकि आधे में से एक और कटाएंगे तो डेढ़ हो जाएगा, ठीक है, n2। अब इसके अंदर जो इसका करेंगे तो अंदर इसका भी जीरो हो जाएगा, इसको भी जीरो हो जाएगा और इसका कितना रहेगा 2x हो जाएगा। तो ये 2 से और आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके मिलेगा एक्स ऊपर मिलेगा और नीचे ही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 की वैल्यू कितनी होती है आर, और ऊपर क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा। तो हम फाइनली लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 जो है उसका मान आएगा एक्स अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स और 1/r की जो वैल्यू है वो मिल गई एक्स अपॉन आर क्यूब माइनस के साथ, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर माइनस हो रहा है, ये वाला ये रहा माइनस है ना। और इसी प्रकार हम तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स और 1/r की वैल्यू आई है एक्स अपॉन आर क्यूब
माइनस के साथ, और डेल अपॉन डेल वाई और वन अपॉन आर की जो वैल्यू आएगी माइनस वाई अपॉन आर क्यूब आ जाएगी, और डेल अपॉन डेल जेड और वन अपॉन आर जो है उसकी वैल्यू माइनस जेड अपॉन में आर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो इसको आप इक्वेशन दे देंगे मिला करके, समीकरण नंबर दो दे दीजिएगा। और अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो टू है उसको रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और हमें मिलेगा कि ग्रेडेंट वन अपॉन आर की जो वैल्यू है वो माइनस आई कैप एक्स अपॉन में आर क्यू प्लस माइनस जे कैप वाई अपॉन में आर क्यू प्लस और माइनस जेड के कैप अपॉन आर क्यू मिलता है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, इसको अपन ऐसे अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें कि डेल और वन अपॉन आर के अंदर आप कॉमन ले लीजिए माइनस का, और आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, और तीनों के नीचे हमारे पास आर क्यूब। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आर वेक्टर में लिख सकते हैं अपन, तो अपने पास मिलेगा ग्रेडेंट वन अपॉन आर की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब आपके पास आंसर आ जाता है। ये हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, अब की बार हम करेंगे डाइवर्जेंस का, जो कि बहुत ही फेमस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन है यदि स्थिति सदिश, यदि स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड है, तो सिद्ध कीजिए, आपके पास सिद्ध करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर और आर की पावर एन होता हमारे पास एन प्लस थ्री एंड आर की पावर एन। ठीक है, या कई बार आपसे ये भी पूछेगा कि इसी से डाइवर्जेंस ऑफ वन अपॉन डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू आपके पास थ्री होगा, और डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब की जो वैल्यू है वो आपको जीरो मिलेगी। तो ये यदि प्रूफ होता है, ये जनरल फॉर्म है इसकी, ये क्या है इसकी जनरल फॉर्म है, ये प्रूफ होता है तो इन दोनों से आप इसमें एन का मान आप जीरो रख लेंगे और इसमें आप एन का मान माइनस थ्री रख लेंगे, और फिर सोल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू इसी से आ जाएगी। जब जीरो रखेंगे तो जीरो एन थ्री और ये जीरो तो तीन बचेगा, और यहाँ पर माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री जीरो, तो आपके पास जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी को सोल्व करेंगे जो हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपके पास स्थिति सदिश दे रखा है आर, आर दे रखा है आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड है। आप मोड ऑफ आर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर आपके पास एक बटा दो आ जाएगी। इसमें आप कुछ वैल्यू पहले ही निकाल लीजिएगा, तो देखो इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, और इधर मिलेगा आपके पास एक बटा दो, और ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस एक बटा दो इंटू टू एक्स, टू से टू कट जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा एक्स अपॉन में ये नीचे चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एक बटा दो, तो आप लिख सकते हैं x अपॉन में r। ठीक है ना, तो हमें वैल्यू मिली है किसकी, डेल r अपॉन में डेल x की, जो कि आई है x अपॉन r। इसी प्रकार डेल r अपॉन डेल y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y अपॉन r, और जो डेल r अपॉन डेल z की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी z अपॉन r, और इसको आप इक्वेशन नंबर टू दे दीजिए। ठीक,
अब आप सिंपल आपका जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो आपको दिया गया है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर और आर की पावर एन का। तो ये डाइवर्जेंस को अपन कैसे लिखते हैं, अपन ऐसे लिखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, सीधे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर रहेगा आर वेक्टर आर की पावर एन, ठीक है ना, आर वेक्टर और आर की पावर एन रहेगा। लेकिन हम इसमें केवल इसका एक्स कंपोनेंट यूज में लेंगे, मैं शुरू से लिख देता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो रहेगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप और डेल अपॉन डेल जेड, ये रहेगा। यहाँ पर आर वेक्टर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आर की पावर एन तरह से रहेगा, और आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, ये रहेगा। तो आप डॉट पर करेंगे आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के। तो आपको मिलेगा इस तरह से डेल अपॉन में डेल एक्स और आर की पावर एन और एक्स आ जाएगा, प्लस डेल अपॉन में डेल वाई आर की पावर एन वाई आ जाएगा, प्लस डेल अपॉन में डेल जेड और आर की पावर एन और आपके पास जेड आ जाएगा। इसका आप इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिएगा, ठीक है। आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट ले लेंगे या फर्स्ट टर्म ले लीजिए। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, डेल अपॉन में डेल एक्स और आर की पावर एन और एक्स। तो आपके पास दो फलन हो गए, यहाँ पर कितने हो गए हैं, दो फलन हो गए हैं, दोनों को सोल्व करेंगे आप। तो ये आपको मिलेगा आर की पावर एन और एक्स का एक्स के साथ इस करेंगे तो एक आ जाएगा, प्लस अब आपके पास आर की पावर एन माइनस वन और एन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स एस एक्स, ये आता है। इसी प्रकार आप वाई के लिए निकालेंगे, जेड के लिए निकालेंगे, तो डेल अपॉन में डेल वाई आर की पावर एन, वाई की जो वैल्यू होगी वो आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन और वाई आ जाएगा। और तीसरा हमारे पास डेल अपॉन डेल जेड और आर की पावर एन वाई, वो रहेगा आर की पावर एन प्लस एन और आर की पावर एन माइनस वन और जेड रहेगा। इसको आप समीकरण नंबर चार दे दीजिएगा और चार को आप इक्वेशन नंबर दो में यूज़ कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो चार है उसको आप यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर दो में, तो हमें मिलेगा डेल या फिर ग्रिड डाइवर्जेंस ऑफ आर एन और आर वेक्टर इक्वल टू, ये रहेगा आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस आर की पावर एन और एन आर की पावर एन माइनस वन वाई प्लस आर की पावर एन प्लस आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर रहेगा एन और जेड, जोड़ लीजिए थ्री आर की पावर एन प्लस ये रहेगा एन और आर की पावर एन माइनस वन और आपके पास रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर की पावर माइनस एक बटा दो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर आर की पावर एन और आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो थ्री आर की पावर एन तो मिल ही रहा है, प्लस यह हमारे पास आ जाएगा एन ये हमारे पास आ जाएगा एन, और इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, ये ऐसे आएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ पर आपको मिलेगा एक पद और, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड। तो ये जो पद हैं इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये इस तरह से। तो फाइनली हम इसको इस तरह से लिखेंगे थ्री आर की पावर एन प्लस एन और ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और आर की पावर एन माइनस टू हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो थ्री आर की पावर एन प्लस एन, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इंटू आर की पावर एन माइनस टू, तो ये कट जाएगा अपने पास और ये रहेगा थ्री आर की पावर एन प्लस एन और आर की पावर एन। तो आप इसमें से एन प्लस थ्री लिख देंगे और आर की पावर एन को कॉमन ले लेंगे,
और ये रहेगा डाइवर्जेंस ऑफ आर एन डॉट आर वेक्टर, ये हमारे पास आ जाता है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जब देखो आप आउटलाइन कर रहे हैं आर की पावर एन का करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक टर्म्स आएगी, ठीक है ना। आर की पावर एन एक्स का करेंगे तो एक्स के सापेक्ष एक आएगा, लेकिन जब आप एक्स का करेंगे तो यहाँ सॉरी आर की पावर एन का करेंगे तो आपके पास आएगा एन आर की पावर एन माइनस वन एक्स, ऐसे किसी हो जाएगा लेकिन आर के सापेक्ष डेल आर अपॉन डेल एक्स, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो है आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है एक्स अपॉन में आर। तो ये आएगा आर की पावर एन प्लस एन और आर एन माइनस वन, और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटे में आर। तो इसको आप फिर सोल्व करेंगे आर की पावर एन प्लस, यहाँ से ये पावर फिर ऊपर जाएगी तो रहेगा एन और आर एन माइनस टू और एक्स स्क्वायर, ये आता है। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर एन माइनस टू, एन माइनस टू और एन माइनस टू, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये टू कॉमन हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक है, अब सही है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।